dear students in this module we're going to talk about the part two of functions of social groups in our previous module we saw that social groups provide us sense of identity sense of belonging and emotional support in this uh, part we're going to see that how social groups are providing some more effective functions for you सो दे आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल एक्सचेंज एंड कॉप्रेशन एज़ वेल इंसानी माशरों के अंदर जिस जैसे बाकी इंटरक्शनल प्रोसेस होते हैं इसी तरह से एक्सचेंज और काप्रेशन उतना ही ज़रूरी या उतना ही अहम होता है किसी भी ग्रुप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जितना के उस ग्रुप की एग्जिटेंस तो ग्रुप को एग्जस्ट करने के लिए काप्रेशन और एक्सचेंज के ऊपर बेस करना होता है एक्सचेंज पे मबनी ग्रुप्स जो हैं या कॉपरेशन पे मबनी ग्रुप्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ग्रुप मेंबर्स के दरमियान अगर कोहेसिवनेस है और क्वेश्चन नहीं है तो दे कैन हैव दिस प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स कोई भी ग्रुप जो है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए कॉमन गोल्स डिसाइड करता है या डिफाइन करता है और उन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रुप मेंबर्स को उसी तरह का नॉर्मेटिव पैटर्न प्रोवाइड करता है कि ये वो रास्ते हैं जिनके ऊपर चल के आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं देन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट क्रिएटिंग सोशल नेटवर्क एंड कनेक्शंस दैट कैन लीड टू अदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रुप मेंबर्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनके दरम्यान नेटवर्किंग होती है और ये नेटवर्किंग जो है वो उनके आ, उनके लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ का बायस बनती है मिसाल के तौर पे आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत से दोस्त अहबाब आपके जो हैं आपके इंटरेक्शनल प्रोसेस के ज़रिए आपकी नेटवर्किंग का हिस्सा बनते हैं जो लेटर ऑन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं और शायद के ऐसी फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज़ का बायस बनते हैं जिनकी वजह से आप अपने करियर के अंदर एक्सेल कर सकते होते हैं दैन प्रमोटिंग द सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स जो पर्टिकुलरली जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ये सोशल चेंज और डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स का भी बायस बनते हैं जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल लें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से सोशल मूवमेंट्स का बायस बनते हैं सोशल चेंज का बायस बनते हैं इनके ज़रिए माशरों के अंदर बाज़ात मस्बत बा मनफी तब्दीलियाँ भी आती हैं क्योंकि सोशल चेंज सिर्फ पॉजिटिव सोशल चेंज का नाम नहीं है इसमें नेगेटिव सोशल चेंज भी होती है तो स्टूडेंट्स की इस कोलैक्टिव बिहेवियर की मदद से जो है सोशल चेंज का प्रोसेस होता है और पाकिस्तान की मिसाल अगर हम लें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं या ट्रेड यूनियंस हैं दीज कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलरली सेकेंडरी सोशल एंड डेट फैसिलिटेट सोशल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन वायल पॉलिटिकल पार्टीज कैन प्रमोट सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स सोशल चेंज एंड सोशल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन आर की इम्पॉर्टेंट फंक्शंस Of these uh, social groups, both formal as well as informal groups.